So hello guys and what's up? Welcome back to my channel once again. तो कैरी भाई ने ना बस इतना बोला था कि वो टिकटॉकर्स को लेके जाएंगे मिठाई की दुकान पे और 200 में बेच देंगे। बट अभी भी जो बंदे नहीं सुधरे हैं ना भाई, वो उन लोगों को बिकने का ना 200 रुपए भी नहीं मिलने वाला। तो सुधर जाए, जनहित में जा रही है ये। तो भाई अपने सही समझा है, आज हम बात करने वाला है 59 एप्स जो कि चाइनीज है, इंडिया में वो बैन हो चुके हैं भाई। तो चलिए भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और भाई लगाओ इंट्रो, लगाओ भाई। हम आ चुके हैं हमारा पहले टॉपिक के तरफ कि कौन कौन से एप्स हमारा बैन हो रहे हैं भाई। तो हम कवर करने वाले सिर्फ मेजर एप्स, जैसे कि हमारे पहले नंबर पे है हर एक इंसान की जान, जिसका नाम है टिकटॉक। पता नहीं कौन सा ऑब्सेशन है इस ऐप के साथ, बट भाई कुछ अलग ही लगाव है लोगों का इसके साथ। दूसरे नंबर पे आते हैं शेयरिट, जिसमें से हम हर एक फेक वायरस एप्स को शेयर कर देते थे। फिर आते हैं कवाई, जो मुजरेधारी लोग टिकटॉक में बच जाते थे वो इस ऐप में आके हाजिर हो जाते। चौथे नंबर पे हमारे पास है यूसी ब्राउजर। पांचवें नंबर पे हमारे पास है बायदू मैप, इसको वैसे भी कोई यूज नहीं करता था, मैं भी पहले बार नाम सुना है। सातवें नंबर पे है क्लैश ऑफ किंग्स, जो कि गरीबों का क्लैश ऑफ क्लैंस माना जाता है। और फिर आता है यू कैम मेकअप, एम आई कम्युनिटी, सी एम ब्राउजर्स, वायरस क्लीनर्स, न्यूज डॉक तक है भाई, बहुत सही किया हो। वी चैट, क्यू क्यू म्यूजिक, बिगो लाइफ, सेल्फी सिटी, मेल मास्टर, और इधर भी बहुत सारा है भाई, कैम स्कैनर, ड्यू क्लीनर और ड्यू रिकॉर्डर, एम आई वीडियो कॉल, ईएस फाइल एक्सप्लोरर्स, बहुत अच्छे अच्छे चीज हुआ है भाई। सारे मेजर मेजर जो एप्स थे उसको बैन कर दी गई है, और उसमें से भी सबसे प्यारा है टिकटॉक, जो कि सबसे ज्यादा डेटा चुरा रहा था हमारा देश का। तो भाई बात कर लेते हैं कि ये नहीं डिलीट करोगे तो क्या होगा भाई। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि पहला 1-2 हफ्ता उतना कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, बट ये आप पे डिपेंडेंट है भाई। हमारा जितने भी जवान हैं वो बॉर्डर्स पे लड़ रहे हैं और हम उन्हीं का एप्स लेके मजे कर रहे हैं भाई। वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज उन लोगों को इकोनॉमिकली इतना ग्रो मत होने दो कि हम पे अटैक हो जाए, बट फिर भी हम नहीं मानने वाले, हम तो सुधरने वाले नहीं है भाई। हम करेंगे यूज, हमको किसी का रेस्पेक्ट नहीं करना भाई। 2 दिन ये एप्स कर यूज करना बंद कर दोगे ना, ऐसा कुछ बड़ा बहुत कुछ नहीं हो जाएगा। तो भाई मानो हमारी बात, अपना अकाउंट्स को डिलीट करो, एप्स को डिलीट करो भाई। और कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि टिकटॉक वापस आ सकता है कि नहीं भाई। भाई अब वो गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है, वो आएंगे कि नहीं, ठीक है? तो अब वो उस बात पे हम कुछ नहीं बता सकते, वो गवर्नमेंट बताएंगे बाद में, बट एज ऑफ नाउ मेरे को तो दिख नहीं रहा है कोई भी चांस। और चाइनीज गुड्स भी कुछ हद तक बैन हो चुकी है जैसे कि आप लोगों को पता है, बट अब ऐसा मत करना कि जो गुड्स करेंटली मार्केट में अवेलेबल है वो आप ना लो, ठीक है? क्योंकि वो हमारा गवर्नमेंट ऑलरेडी इंपोर्ट करा चुके हैं। वो जो भी बिजनेसमैन इंपोर्ट करा रहे हैं वो इंडियन है भाई, वो घाटे में चले जाएंगे। और ये भी बता दो कि कोई भी मोमोज का दुकान का लोगों को जाके ये मत बोलो कि आप चाइनीज हो भाई, वो इंडियन है, हमारा देश का जनता है, वो भी हमारा देश का ही एक पार्ट है, ठीक है? तो भाई उन लोगों के साथ भेदभाव ना करें। और यहाँ पे एक और बात है कि अगर आप 2 हफ्ते के बाद भी इसको डिलीट नहीं करते तो क्या होगा भाई? उसके बाद आपके साथ अलग अलग चीजें हो सकता है, जैसे कि हमारा इंडियन इंटेलिजेंस जो है वो 24/7 ये सारे एप्स पे नजर लगा के बैठे हुए हैं भाई। ये जो भी एप्स है ना भाई, वो सबको बंद कराने के लिए ये इन लोगों के सर्वर्स को डाउन कर देंगे। आप लोगों को यूज करने में दिक्कत होगी, आपका फोन हैंग होगा, तो क्यों करना भाई, ऐप को डिलीट कर दो ना। इसके बाद आते हैं कि क्या क्या रिप्लेसमेंट हम ढूंढ सकते। तो उस पे आते हुए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप टिकटॉक का जो भी दीवाने थे भाई, वो प्लीज जाके मित्रो ऐप को डाउनलोड कर लो। एक मिनट आपको दिखाई देते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो टिकटॉक के जगह पे आप मित्रो ऐप को डाउनलोड कर लो या रोपोजो ऐप को डाउनलोड कर लो, जिसको इतना ही दीवानेपन है।
अगर आप शेयर इट यूज करना चाहते हो तो आप उसके जगह पे जेड शेयर ऐप यूज कर लो। हेलो जो ऐप है उसके जगह पे आप इंस्टाग्राम यूज कर लो, फेसबुक यूज कर लो। जो भी काम करते हैं लोग WPS ऑफिस का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, उन लोग का क्लाउड स्टोरेज का यूज करते हैं, उसकी जगह पे गूगल ड्राइव यूज कर लो, फुल्ली सेफ है। और उससे भी सेफ चाहिए तो आप माइक्रोसॉफ्ट का यूज कर लो भाई, वर्ड यूज कर लो, इतने अच्छे अच्छे चीजें हैं भाई। गूगल का गूगल ड्राइव है, माइक्रोसॉफ्ट का वन ड्राइव है, यूज करो। कैम स्कैनर की जगह पे एडोब स्कैन यूज कर लो। एडोब स्कैन का आपको फ्री मेंबरशिप भी देखने को मिल जाता है भाई, उसमें फ्री ट्रायल होता है, यूज करो भाई, उसको भी यूज करो। और एक और बात कहना चाहता हूँ भाई, इंडिया का एप्स को ना प्लीज पायरेट मत करो, क्योंकि जब भी कोई पायरेट करता है ना उसका रेवेन्यू नहीं पहुंचता है भाई कंपनियों को। तुम्हें इनिशियली लग रहा है कि तुम्हें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, बट एट द एंड ऑफ द डे ना हमारा जो बंदा है आपको बनाता है ना भाई, उसको बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन मिलता है। उसको लगता है कि भाई कोई यूज ही नहीं कर रहा मेरा ऐप, उसको अगला ऐप बनाने का फंडिंग नहीं मिलता है कहीं से, वो खुद लोन के अंदर चला जाता है। तो प्लीज भाई आप ये पायरेसी को दूर हटाओ, वायरस से बचे रहो, और जो भी एप्स है उसका फुल मेंबरशिप लो और उसके बाद ही यूज करो। तो एंड में एक और क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन ये है, व्हाई पबजी मोबाइल एंड जूम ऐप डिड नॉट गेट बैंड इन इंडिया। तो इस पे देखा जाए तो मैं इतना बताना चाहता हूँ कि पबजी मोबाइल एक चाइनीज ऐप नहीं है, ये एक साउथ कोरियन ऐप है। हाँ मैं माना कि टेंसेंट गेम्स इसके साथ जुड़ा हुआ था, बट वो कंप्लीटली साउथ कोरियन कंपनी है, पबजी कंपनी जिसको आप बोल सकते हो। और जूम जो एप्लीकेशन है वो यूएसए का एप्लीकेशन है, ये यूएसए में बहुत फेमस एप्लीकेशन है। बट हाँ भाई ये डेटा चुराता था, चुरा रहा है और इन फ्यूचर भी चुरा सकता है। तो इसके लिए भी लोग ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ चुके हैं, गूगल का खुद का है, गूगल मीट यूज करो। अगर थोड़ा और प्रीमियम चाहते हो तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स यूज करो, स्काइप ही बिजनेस यूज करो, जो मर्जी करना है करो, बट इतना करो कि चाइनीज एप्स को मत यूज करो। अब मैं आना चाहता हूँ उन महान लोगों पे जो ये बोल रहे थे कि भाई टिकटॉक चला गया, मैं उसको एक्सपोज नहीं करना चाहता या उसका वीडियो भी नहीं दिखाना चाहता यहाँ पे, बट वो बोल रहे हैं कि टिकटॉक चला गया तो मैं कोई भी, आप बोल रहे हो मित्रो यूज कर लो, रोपोजो यूज कर लो, मैं यूज नहीं करने वाली हूँ। अरे यार बहन सुन, तू मित्रो यूज कर, रोपोजो यूज कर, कैम स्कैनर के जगह पे तू एडोब स्कैन यूज कर। जो भी फंड्स मिलेगा ना हमारा गवर्नमेंट को मिलेगा, वो बंदे को मिलेगा जो कि दिन रात मेहनत करके वो ऐप बना रहा है, पर तू जो ये यूज कर रही है ना वो चाइना को मिल रहा है। और चाइना क्या कर रहा है उस पैसे से? आर्म्स खरीद रहा है, लोगों को खरीद रहा है, आर्मी खरीद रहा है और इंडिया पे आके हमला कर रहा है। तो भाई मैं बताना नहीं चाहता बट बात तो यही हो रहा है ना कि तुम अपने देश का ही खिलाफ। तो भाई बस इतना ही कहना है कि भाई इस जंग में हमारे साथ दो, आधा जंग जीत लिया है हमारा गवर्नमेंट ने भाई, और आधा बाकी है, बस बस इतना कर दो। तो भाई क्या पता कल ओप्पो और वीवो जैसा कंपनी इंडिया में भी हो, कल टिकटॉक जैसा बड़ा ब्रांड इंडिया में भी हो। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही कहना था मेरे को, मिलते हैं तुमसे अगले वीडियो में, टिल देन गुड बाय।